फिल्म आपका बना है अभी तक? जी अंदाज मूवी में एक छोटा सा रोल है, आइटम सॉन्ग है। नैहर के प्यारे होए, माय के दुलारे होए, पापा के प्यारे होई हो, हमसे रोटी न बेलाई सासू जी, हमसे रोटी न बेलाई सासू जी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं माही मनीषा जी के घर पे हैं, और ये है माही जी और ये है मनीषा जी, दोनों से भी बातचीत करेंगे वीडियो में, चाहूंगा कि बने रहिए। नमस्ते आप लोग का। नमस्ते सबको। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं अभी? बहुत अच्छे, आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है। तो कब आए हैं घर, आपके पास अभी आए हैं? हो गया दो दिन, हो गया दो तीन दिन हो इससे गया। पहले आपका कहाँ पे प्रोग्राम था? अभी सो मेरा पटना में ही था। हाँ पटना में, अब किस जगह था तो मेरे को तो उतना याद रहता नहीं है, तो पटना में ही मेरा। तो माही मनीषा जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, जो कि बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर चुके हैं, जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह और भी बहुत सारे एक्टर के साथ काम कर चुके हैं, और कैसा महसूस होता है आपको जब उन लोगों के साथ आप काम करते हैं? तो मम्मी पापा को अच्छा महसूस होना चाहिए, मुझे भी अच्छा महसूस। महसूस तो अच्छा होता है, लेकिन स्टार मैं नहीं हूँ, स्टार मैं अपने फैंस को मानती हूँ, वही उन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक हूँ, तो मैं खुद को स्टार नहीं मानती हूँ, मेरे फैंस लोग स्टार हैं। फैंस है तो हम स्टार हैं, फैंस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये। बिल्कुल सही। तो जैसे कि मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन में कैसे आए हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे, सिंगिंग को लेकर या डांसिंग को लेकर या एक्टिंग को लेकर, मतलब कैसे आए आप दोनों? मैं आई थी, मैं गई थी जैसे कि सॉन्ग को लेके, सॉन्ग को ले, हाँ, तो मेरे को ज़्यादा सॉन्ग में ज़्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन ज़्यादा डांसिंग में ज़्यादा प्यार मिला, तो मैं दोनों चीज़ करती हूँ, सॉन्ग भी गाती हूँ और डांस भी करती हूँ। आप दोनों स्टार्टिंग से ही शुरू में ही हैं। हाँ। आपका वीडियो कौन बनाता है? आप दोनों तो रहते हैं वीडियो में, आपका वीडियो कौन बनाते हैं, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं? किसी को मैं पकड़ के रखा खड़ा कर देती हूँ, जो बाबू मेरा थोड़ा पकड़ दो मोबाइल को, फ़ोन को पकड़ के रखेगा, मैं बता दूंगी, ऐसे हिलना उलना मत। हाँ। कि सिर्फ पकड़ के वो लोग रहता है, हम लोग वीडियो। और आप किसी के भी गाने पर इतना अच्छा डांस करते हैं, और आपका खुद भी बहुत सारा गाना आ चुका है, मतलब कौन सा आपका गाना आया था? बहुत सारा सॉन्ग है, जैसे हिट मेरा सॉन्ग है, हमसे रोटी ना बेलाई सासू, थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? नैहर के भारे होई, पापा के प्यारे होई, माय के दुलारे होई हो, नैहर के प्यारे होई, माय के दुलारे होई, पापा के प्यारे होई हो, हमसे रोटी ना बेलाई सासू जी, हमसे रोटी ना बेलाई सासू जी। वाह बहुत अच्छा, जो कि काफ़ी ज़्यादा YouTube पे आपका ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के साथ गया था। आप भी कोई गाना गाए हैं? जी नहीं, आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो ज़्यादातर आपसे भी ज़्यादा इनके बारे में हम सुनते हैं कि आप ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, क्या सही बात है? सही बात है। ये ना थोड़ा थोड़ा खेसारी जी का कॉपी करती रहती है, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं ना, तो आपसे ज़्यादा इनके बारे में बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस लोग को? बहुत सारा धन्यवाद कि इतना सारा प्यार दिया आप लोग, कि आज हम लोग के घर पे ये सब आए इतना प्यार लेके। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप लोग इस लाइन में हैं काफ़ी दिनों से, लगभग कितने दिनों से? 7 साल से। 7-8 साल से हैं, तो आप सिर्फ अभी गाना वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, और आगे क्या सोचे फिल्म को लेकर, कोई फिल्म आपका बना है अभी तक? जी अंदाज मूवी में एक छोटा सा रोल है, आइटम सॉन्ग है, देखिएगा आप लोग प्यार। अंदाज मूवी अभी तो रिलीज नहीं हुआ शायद? नहीं हुआ, कब होली होली तक में। हाँ, तो जैसे कि माही मनीषा जी का एक फिल्म भी शूटिंग हो चुका है, जो कि खेसारी लाल जी के साथ है, और उसमें बहुत अच्छा रोल की है दोनों बहनें, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा, बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा यूट्यूब पे अंदाज मूवी, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और इसी के साथ जाते जाते कुछ पूछना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, तो कुछ बोल दीजिए तो बहुत अच्छा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल प्यार। हाँ। तो आप भी कुछ बोल दीजिए हमारे YouTube चैनल अमित एफोरियो के बारे में। अमित एफोरियो के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, इन्होंने इतना प्यार लेके यहाँ तक आए हैं, बहुत दूर से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो बनता है थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए, जैसे माई मनीषा के। तो इसी के साथ कैमरामैन ऋत्विक राज जी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।